हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। बात करेंगे WTC फाइनल की। टॉस हो चुका है, वो अपडेट आपको देंगे क्या है प्लेइंग 11 टीम इंडिया की, क्या कुछ होने वाला है इस पूरे WTC फाइनल के 5 दिनों में भैया, वो सारी की सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले टॉस बता देता हूं कि टॉस जीत लिया है टीम इंडिया ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, बल्लेबाजी का न्योता दिया ऑस्ट्रेलिया को। बात करेंगे क्या है प्लेइंग इलेवन की नजर हम डालेंगे अगर, तो वहां पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल 3 नंबर, चेतेश्वर पुजारा आपको नजर आएंगे 4 नंबर, विराट कोहली होंगे 5 नंबर पर होंगे आपके लिए अजिंक्य रहाणे, 6 पर मुझे लगता है रविंद्र जडेजा आएंगे क्योंकि KS भरत को ये नंबर 7 पे खिलाएंगे ऐसा मुझे लगता है, और हमने ये देखा भी था जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी वहां पर भी। उसके बाद नंबर 8 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर हमें नजर आएंगे शार्दुल ठाकुर। टीम शार्दुल ठाकुर के साथ गई है, अश्विन को बाहर बैठना पड़ा है और ये बनता भी था क्योंकि हमने भले बात की थी कि हो सकता है अश्विन खेल जाए क्योंकि वहां धूप निकली हुई है, लेकिन शार्दुल ने कुछ गलत नहीं किया हुआ था। शार्दुल को जब भी मौके मिले, खासकर अवे में, होम में तो ऐसा भी नहीं मिलते, वहां पर तो अश्विन का खेलना बनता ही है। जो भी रिकॉर्ड्स रहे हैं इस WTC के साइकिल में पूरे इंडिया की ओर से देखेंगे तो सबसे ज्यादा उनके 65 विकेट हैं, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि शार्दुल को अगर हम अवे में देखेंगे चाहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी वो गए हैं उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, ना सिर्फ बॉल विद द बैट हम देखेंगे, जिस तरह से नीचे से आकर शानदार बैटिंग खेलते हैं, शानदार पारियां खेलते हैं, तो उनका वो डिजर्व करते थे उस अपने मौके को और उन्हें वो यहाँ पर मिला है। ये सारी की सारी चीजें थी, आगे जब बढ़ेंगे हम तो वहां पर जयदेव नजर आएंगे आपको मोहम्मद शमी, आपको मोहम्मद सिराज, ये सारे के सारे प्लेयर नजर आएंगे, लेकिन अगर हम टीम देखें तो बेहतरीन नजर आ रही है फिलहाल। अब इंडिया बॉलिंग करने आएगी, फर्स्ट सेशन में बैटिंग करने उधर से आएंगे उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, इंडिया कहां तक डोमिनेट करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या इंडिया जो पहला सेशन है वहां पर 1 विकेट निकाल सकती है, 2 विकेट निकाल सकती है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि लुकिंग फॉरवर्ड मैच आगे कैसा बढ़ने वाला है, किस तरह से चीजें होने वाली है, क्योंकि भले ही डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं है लेकिन हम जानते हैं वो क्या करके आ रहे हैं पास्ट में, मेरा मतलब है कि एंटायर द करियर अपने क्या कुछ किया हुआ रखा है उन्होंने, और आपको नहीं भूलना चाहिए 2021 का वर्ल्ड कप वहां भी खराब फॉर्म से गुजरते हुए आ रहे थे, लेकिन हम क्या देखते हैं जब उस वर्ल्ड कप में आते हैं तो वर्ल्ड कप जिता कर रख देते हैं ऑस्ट्रेलिया को एकदम वो तोहफा दे देते हैं कि भैया वर्ल्ड कप जिता दिया मैंने, सेमीफाइनल वो दो इनिंग आप तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे डेविड वार्नर की। और वहीं अगर बात करेंगे उस्मान ख्वाजा की, तो उन्होंने इस पूरे साइकिल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और इंडिया के अगेंस्ट वैसे भी उनके आंकड़े अच्छे रहते हैं, चाहे वो T20 फॉर्मेट में 2-4 इनिंग्स जो खेली है वहाँ पर, टेस्ट जो भी खेला है वहाँ पर, तो उनसे भी बचकर रहना पड़ेगा टीम इंडिया को। और नीचे तो हम देख रहे हैं स्मिथ, वो भी इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा करते हैं, लाबुशेन ने हालांकि उतना अच्छा अभी इंडिया के सामने नहीं किया हुआ है, तो फिलहाल के लिए कहानी यही है कि इंडिया फर्स्ट सेशन में किस तरह का प्रदर्शन करेगा बहुत कुछ निर्भर करेगा उस पर कि आगे चीज़ें कैसे होंगी। तो जो भी अपडेट आती है, जो भी सब कुछ होता है, फर्स्ट सेशन के बाद आपसे मिलेंगे और अब डिस्कस करेंगे क्या कुछ रहा इंडिया का प्रदर्शन इस सेशन में, उसके बाद सारी की सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो भी हुआ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।